हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड देयर डिसीज। किस तरीके से जो पर्टिकुलरली विभिन्न विभिन्न वातावरण के कारण और कौन कौन से वह कारण हैं जिसके कारण पर्टिकुलरली मनुष्य को जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूँ आपको कि हमने हेल्थ के बारे में तो पढ़ लिया है, अब डिसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ डिफाइन एज द एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग और द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग्स। डिसीज का मतलब यह होता है कि वह सिचुएशन होता है, वह रूपांतरण होता है हमारे बॉडी का या हमारे पर्टिकुलर बॉडी के एक्टिविटी या जो ऑर्गन्स जो पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं या हमारे बॉडी के जो भी पार्ट का काम कर रहे हैं वह किसी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा, फॉरेन एजेंट के द्वारा या किसी कारणवश जो है वह अपने नॉर्मल फंक्शन से हट के कोई अलग काम करता है तो उसको हम जो है वो डिसीज कंडीशन में रखते हैं। डिसीज हैज सेवरल स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम द मिड केस टू द सीवियर इलनेस। और जो बीमारी है, डिसीज है, उसको हम जो है वो एक रेंज में डिराइव कर सकते हैं, जैसे माइल्ड मतलब शुरुआती से लेके जो है वह सीवियर कंडीशन तक भी हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। द इन रिजल्ट ऑफ द डिसीज, और जो है वो डिसीज के कारण जो रिजल्ट होता है किसी भी मनुष्य के का, वह या तो अच्छा हो जा सकता है या तो वह ख़त्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकती है, या तो वह डिसेबिलिटीज का धारण कर सकता है, मतलब वह अपने नॉर्मल वर्क नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। प्रीवियसली द जर्म थ्योरी डिसीज वॉज अकॉर्डिंग टू दिस डिसीज वेर थॉट टू ड्यू द स्पेसिफिक जर्म और एजेंट। एक एजेंट जो है वो डिसीज का कारण हो सकता है। नाउ द कॉन्सेप्ट दैट डिसीज ओके ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर लाइक एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट्स। उसके बाद यह पता लगाया गया कि जो डिसीज होने का जो कारण है वह एजेंट बस नहीं है, उसके लिए होस्ट भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दो थ्री फैक्टर फॉर्म द एपिडियोलॉजिकल ट्रेड। फॉर द एग्जाम्पल, ट्यूबरकुलोसिस ओक्योर नॉट मेरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुल बेसिली एजेंट। उसका एग्जाम्पल जो यह है, जो पर्टिकुलरली जो टीबी बीमारी होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो पर्टिकुलरली किसी को भी होता है, तो सिर्फ वह ट्यूबरकुल बेसिली एजेंट के द्वारा ही नहीं हो सकता, उसके लिए पर्टिकुलरली एक इन्वायरमेंट चाहिए और होस्ट चाहिए। अदर फैक्टर लाइक पुअर्टी, ओवर क्राउडिंग, माल न्यूट्रिशन, इटीसी आर कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस क्योर। और जो है वो ओवर क्राउडिंग, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, ये जो है वो अन्य कारण हैं डिसीज होने का। आल्सो इट इज आल्सो नो दैट द मल्टीपल फैक्टर लाइक एक्सेस ऑफ द फैट इनटेक, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी आर इन्वॉल्व इन द पोजिशन ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो विभिन्न प्रकार के जो हार्ट डिसीज होते हैं उसके लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज कम करना, मोटापा का बढ़ जाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सब जो भी जो है वो डिसीज के होने के कारण हो सकते हैं। इफ दोज फैक्टर आर द नो, डिसीज कैन बी कंट्रोल एंड प्रिवेंटेड बाय द एलिमिनेटिंग दोज फैक्टर। और अगर हमें किसी भी पर्टिकुलरली डिसीज के बारे में पता चल जाता है तो हम उसका जो है वो रोकथाम कर सकते हैं, उसका हम जो है इलाज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा हेल्थ जो है वो सेवरल इंडिकेटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, जैसे फूड एंड डाइट। हम अगर अच्छे से खाना खाते हैं, हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज पर्टिकुलरली रोज़ करते हैं एक नियमित समय के लिए, तो हमारा जो हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो सोशियोलॉजिकल या इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो भी हमारे फेवर में रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो हेल्थ जो है वो अच्छा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं स्लीप,
मतलब सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम सोएंगे तो हमारा जो है वो स्वास्थ्य जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और तबीयत ख़राब होने के जो है चांसेस रहेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अधिक से अधिक अगर हम स्ट्रेस भी लेते हैं पर्टिकुलरली एक एज में, जो भी कोई भी एज में, तो जो है वो हमें बीमारी होने की संभावनाएँ जो है वो अधिक से अधिक जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम यह देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसको लिमिटेड फूड्स, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, प्रॉपर वे पे एक्सरसाइज करना चाहिए, फैमिली फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। देन इंट्रोडक्शन, द कंडीशन ऑफ द वेल्स बींग सोन इन द बॉडी माइंड स्पिरिट स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल डिसीज और पेन। एंसिडेंस डे कंसिडर एज द स्टोर ऑफ द बॉडी माइंड विद द बैलेंस ऑफ द ह्यूमर्स एस्टेटेड बाय ग्रीक्स इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। तो जो ग्रीक और आयुर्वेदिक सिस्टम यह बोलता है कि जो मनुष्य को अपने बॉडी के हिसाब से और माइंड को जो बैलेंस करके रखना चाहिए, और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके को आपको एक्सरसाइज करना है और किस तरीके से आपको फिट रहना है। इट वॉज द बिलीफ पर्सन विद द ब्लिंग बेल अराउंड हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फेवर ह्यूमरस फोर डिस्टिंक्ट पेडली फ्लूड्स एक्सेस ऑफ डिफिशेंसी ऑफ बिडली बॉडली फ्लूड्स एंड इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर हेल्थ फोर ह्यूमर्स ब्लैक बाइल येलो बाइल फॉर्जमन एंड ब्लड। लेट डिस्कवरी द ब्लड सर्कुलेशन बाय द विलियम्स हार्वे। जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम्स हार्वे ने खोज किया, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक लिवर प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इट वॉज द स्टेटेड लेटर माइंड इन्फ्लुएंस बाय द न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम टुगेदर दे इफेक्ट हेल्थ। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं न्यूरल सिस्टम मतलब जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे जितने भी एंजाइम सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स है उसके बारे में, और जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये सभी मिलके हमारे जो है वो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ, जो निम्न प्रकार के जो फैक्टर है जो हमारे स्वास्थ्य को हेल्थ को प्रभावित करते हैं वह निम्न हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर डिफिशेंसी एट द चाइल्ड बर्न विद द डिफिशेंसी डिफेक्ट चाइल्ड इनहेरिट। तो अगर बच्चे को जन्म से ही उसमें अगर कुछ कमजोरी है, कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर्स है, कोई कमियां हैं, तो वह उसको लाइफ टाइम ही रहेगा और वह एक से दूसरे अपने प्रजनी में जो वो ट्रांसफ़र होते रहेगा। इन्फेक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ लाइफ स्टाइल फूड वाटर रेस्ट एक्सरसाइज एंड हैबिट्स। तो जो हमारे जो दिनचर्या के जो भी एक्टिविटी है जैसे फूड है, खाना, वाटर पानी, स्वच्छ पानी पीना, रेस्ट आराम करना, एक्सरसाइज हैबिट्स आदतें हैं, यह जो है वो हमारे जो है वो जीवन को बहुत मुख्य हमारे जीवन में हमारे हेल्थ में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है और उसको जो है वो प्रभावित करता है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ इन जनरली मीन्स ऑफ फ्री फ्रॉम इलनेस डिसीज इंजरी और पेन लैक ऑफ द फिजिकल फिटनेस। तो जो हम हेल्थ को जनरली हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं कि वो फ्री होता है किससे, इलनेस से, बीमारियों से, डिसीज से, इंजरी से, पेन से, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस से, कमजोरी से, यह जो हम उसको हेल्थी कह सकते हैं। हेल्थ कैन बी डिफाइन एज द स्टेट ऑफ द कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इस तरीके से हम जो है वो अपने हेल्थ को जो है वो कह सकते हैं हेल्थ को कि जो कि फ्री होता है किससे और स्वस्थ होता है फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से और सोशल रूप से। हेल्थी पीपल आर द एफिशिएंट एट द वर्क विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी
एंड ब्रिंग्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वह जो है अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी देगा, अच्छा काम करेगा और जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन को भी स्टेबल अच्छे से कर पाएगा। हेल्थ इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड द मेटमेल मॉर्टेलिटी। और जो हेल्थ जो है वो लंबे समय तक किसी भी पर्सन के साथ रहने वाला है एंड रिड्यूस द इन्फेंट्स एंड मेटरनल मॉर्टेलिटी। इस तरीके से जैसे कि एज पर द एन मुर्गेज हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी बुक ऑफ डी फार्मेसी, इट इज़ द डिफाइन डिसीज इज द डिफाइन एज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग्स। डिसीज हैज सेवरल स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम द माइल्ड केस टू सीवियर इलनेस। द इन रिजल्ट ऑफ द डिसीज मे बी रिकवरी एंड डिसेबिलिटी एंड द डेथ। एंड कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल हिस्ट्री है डिसीज़ का वो किस तरीके से आया, कहाँ से आया, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़ ऑक्योर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एजेंट एंड इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से डिसीज़ जो है वो तीन चीज़ जो है वो मिलने से डिसीज़ का जनरेशन होता है। पहला है इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट, होस्ट होना चाहिए, एक जीव होना चाहिए, एजेंट जो डिसीज़ को लेके आए और इन्वायरमेंट जो वातावरण, जो डिसीज़ होने के लिए पर्टिकुलरली वातावरण होना चाहिए। जिस तरीके से आज के डेट में जो कोरोना वायरस है वह एक मनुष्य के शरीर में आया है तो वह होस्ट कहलाया, और एजेंट, एजेंट मतलब वायरस, वायरस जो है लेके आया बीमारी जिसके कारण विभिन्न प्रकार के बीमारी हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, खांसी आ रही है, सर्दी हो रहा है, फेफड़े कोलैप्स होते जा रहे हैं, और जो इन्वायरमेंट कारण है, जो हमारे भारत का इन्वायरमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो तीनों अगर मिल जाते हैं तो भी पर्टिकुलरली वो डिसीज़ का क्रिएशन होता है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़ इज़ द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द डिसीज़ फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द प्री पैथोजेनेसिस टू इट्स टर्मिनेशन। एवरी डिसीज हैज़ इट्स ओन द नेचुरल हिस्ट्री बट इट्स नीड बी इज बट इट्स नीड नॉट टू बी सम इन ऑल इंडिविजुअल्स। द नेचुरल हिस्ट्री कैन बी स्टेबलाइज बाय द कॉर्ड स्टडी, क्रॉस सेशनल एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो इस तरीके से हिस्ट्री में यह जानते हैं कि सभी प्रकार की बीमारियों को एक पर्टिकुलरली होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह बीमारी हर एक को एक समान हो, एक ही कंडीशन में हो, इसीलिए उसको माइल्ड से मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन में बांटा गया है, मतलब कम, मध्यम और अधिक, इस तीन स्टेज में जो है वो बांटा गया है। उसके बाद हम देखते हैं द नेचुरल फेजेस, द फेज ऑफ द डिसीज। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज कंसिस्ट ऑफ द टू फेजेस, पहला है प्री पैथोजेनेसिस, दूसरा है पोस्ट पैथोजेनेसिस। या प्री पैथोजेनेसिस में द प्रोसेस इन द एनवायरनमेंट, जो कि वातावरण के साथ जो है वो उसका प्रोसेस होता है। दूसरा है पैथोजेनेसिस, द प्रोसेस इन द मैन, जो है वो जो है किसी मनुष्य या फिर किसी जीव के बॉडी में जाके जो है वो अपने क्रियाकलाप को जो है कंटिन्यू करता है। तो पैथोजेनेसिस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस, दिस इज द फेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज इन द मैन। यह जो है वो प्री पैथोजेनेसिस वह क्रिया होती है जिसमें जो है वो पर्टिकुलरली जो एजेंट है वह किसी मनुष्य के शरीर में जाने से पहले वातावरण में अपना क्या प्रभाव डालता है, वह किस तरीके से सर्वाइव करता है। दिस डिसीज अगेंस्ट नॉट एट इंटर इन द मैन, और जो है वह बीमारी जो है वो मनुष्य के शरीर में जो है वो इंटर नहीं किया रहता, वह एटमोसफियर में रहता है, वातावरण में सर्कुलेट होते रहता है। बट द फैक्टर नीडेड फॉर इस इंटरेक्शन विद द ह्यूमन होस्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और जो मनुष्य है इस वातावरण में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और जैसे मनुष्य जो है वो एजेंट के कॉन्टैक्ट में आता है और वातावरण जो है वो उसको इनहेबिट करता है और उसको जो है वो डिसीज जो है वो हो जाता है। पोटेंशियली वी आर ऑल इन द प्री पैथो
जेनेसिस फेज इन मेनी डिसीज, और हम जो है वो जनरली यह देखा गया है कि हम जो सभी हैं जो वो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में हैं, खुले वातावरण में जो भी एजेंट हैं वो आते हैं और जो है डिसीज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमने यह देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट एजेंट एयर होस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। थैंक यू।